फ़िलहाल शॉर्टकट लेने के बाद में काफ़ी ये रोड हमें राहत दे रहा है और 8 किलोमीटर और बाकी है अभी, कोशिश पूरी करेंगे कि 8 के टाइम तक पहुंच जाए। मैंने बोला बजट ट्रिप है, 1500 यहाँ देंगे तो फिर बजट का ही क्या रहेगा। पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, पूरी बर्फ़ है, कुछ नहीं, पूरी बर्फ़ है। वो गाइस देख लीजिए ऊपर, पूरी पूरी बर्फ पड़ी हुई है, पूरी स्नो है। 7:30 तक पहुँच जाएंगे हम, ये तो गारंटी, 7:30 तक पहुँच जाएंगे। फाइनली जो स्वर्ग का इंतज़ार था उस स्वर्ग में हम आ चुके हैं। बंद करना पड़ेगा, यहाँ की जो बिल्डिंगें वगैरह थी वो सारी बिखर चुकी थी, लेकिन सिर्फ इतने बड़े ब्लॉगर हो के ये छोटी मोटी प्रसाद के लिए इतने पैसे नहीं दे सकते, वो नहीं। मैंने कहा इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ। कोई भी अनावश्यक रूप से अपना फोन न चलाएं, कोई भी अनावश्यक रूप से अपना फोन न चलाएं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केदारनाथ। अभी मैं फ़िलहाल हूँ केदारनाथ में और इस वक्त हूँ मैं अपने होटल में, होटल कह सकते हैं, रूम कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ हूँ। तो नाइट में अभी हम आए थे लेट, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि नाइट में हम लेट हो चुके थे, इतना लेट हो चुके थे, मतलब अंधेरा हो चुका था ऑलमोस्ट, और होटल वगैरह रूम वगैरह कुछ मिल नहीं रहे थे। तो फिलहाल जो भी मिला, कुछ भी मिला वो ले लिया हमने, कुछ ज़्यादा कोई खास तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो, सर्दी से बचने के लिए काफ़ी सही रहा। और अभी मैं बता देता हूँ रूम कैसा मिला था, फिर हम जाते हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और पानी मतलब इतना ठंडा था कि देख लीजिए मेरा गला भी बैठ चुका है लगभग। और नाइट में हमने टैबलेट लेके सोए थे हम, और 16 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के आए थे, तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था, फिर भी खाने के लिए गए थे, तो फिर भी बस थोड़ा सा एक रोटी मैंने मुश्किल से पूरी खाई, बस खा खू के फिर वापस आके सो गए। और फिर उठे सुबह 9 बजे उठे, और 10 बजे तक, अभी 10 बजे है, अभी बजे है मॉर्निंग के 10, और मैं रेडी हो चुका हूँ। फिलहाल अभी हम जाते हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये रूम देख लीजिए हमारा कुछ इस तरह से था, ये देख लीजिए कुछ काम का नहीं है, और ये हमारा बैग है, और सर्दी से बचने के लिए ये काफ़ी बड़े बड़े गद्दे दे दिए थे हमें, ये देख लीजिए बड़े बड़े गद्दे मिल गए थे। तो यहाँ पे 4 बेड लगे हुए हैं, और बाथरूम तो कोई ख़ास नहीं है, बताने लायक नहीं है, लेकिन लगभग फिर भी ठीक ही है। तो बस, और ये रूम काफ़ी गली में है, तो ये देख लीजिए छोटा सा ही रूम मिला है, और ये देख लीजिए बाहर का व्यू, ये देख लीजिएगा इस बार का व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ से कोई गलियों में मिला है मैं रूम, और ऐसा छोटा सा है। तो गाइस फिलहाल अभी हम चलते हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, जैकेट और जैकेट में भी मेरे को सर्दी लग रही है, लेकिन फिर भी अभी हम जाते हैं। और देखो बाहर तो धुंध पड़ रही है, एकदम धुंध पड़ रही है, और धूप आ रही है जा रही है, लेकिन प्रॉपर धूप नहीं आ रही है, इसलिए फ़िलहाल हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन करके फिर वापस हम निकल जाएंगे, तो 12 बजे से हम यहाँ 12 बजे निकल जाएंगे, तो लगभग 3-4 बजे तक हम नीचे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ढाल उतरना ही है, मतलब आए तब चढ़ना था, तो अभी हम 7 घंटे में चढ़ चुके थे, 12 बजे से 7 बजे तक आ गए थे हम, तो 7 घंटे में चढ़ चुके थे अब जाते टाइम। और मंदिर में आते टाइम एक टोकन लेना पड़ता है मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या है वो मोंटू ही बताएगा, क्योंकि मैं तो बस जस्ट आके सो गया था, मतलब वहाँ पे बैठ गया था, कुछ भी मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं कुछ मतलब हिलने लायक ही नहीं था, इसलिए मैं एक जगह पे बैग रख के बैठ गया था। वो कुछ नहीं करते, आधार कार्ड में कुछ डिटेल वगैरह लेते हैं तो वो कुछ करते हैं, और एक टोकन बनवाना पड़ता है, मतलब आप कहाँ से आए, कौन से स्टेट से आए वगैरह वगैरह वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह वो सब वो फिल करना पड़ता है, वो सब प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, और एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ता है, तो वो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, तो वो मैं आपको डिटेल्स में आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल अभी हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो बस निकलता हूँ अभी,
और बैग वैग हमारा पैक हो चुका है, फिलहाल बस आते ही हमें निकलना ही रहेगा। तो गाइस मिलते हैं अभी, चलिए गाइस चलते, चलो चलो। तो गाइस फाइनली बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, खा ले लियो। नीचे नीचे नीचे, हाँ। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपने रूम से, और अभी हम जाने वाले हैं दर्शन के लिए। फिलहाल देखते हैं, आ गए हम बाहर, बाहर की तरफ आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पूरी धुंधी धुंध है यहाँ पे, एकदम पूरा कोहरा ही कोहरा है। जस्ट अपने हमने होटल ली थी मंदिर के सामने, और ये है यहाँ का मार्केट, और वो सामने है मंदिर, केदारनाथ मंदिर है वो सामने। फिलहाल इतनी ठंड लग रही है, और धूप अगर भी नहीं आई है, सुबह आई थी मॉर्निंग में धूप, लेकिन अभी वापस जा चुकी है। और अभी हम सीधा सीधा चल रहे हैं मंदिर की ओर, और ये यहाँ पे रील बना रहा है। मंदिर में थोड़ी देर हम बैठेंगे, देखिए जानकारी नहीं, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं अपने हाथ जेब में डाल के ही चल रहा हूँ, अगर आपको आवाज़ थोड़ी आने में, आवाज़ में थोड़ी परेशानी होने वाली है। ये मेरे पीछे पूरा केदारनाथ मार्केट है, वो देख लीजिए आप, और वो मंदिर है वो पीछे की साइड में, वो मंदिर है। अभी हम हैं नीचे समुद्र तल की ऊंचाई से देखे तो, अभी हम हैं 3500 मीटर की ऊंचाई पे है, लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पे है अभी। और फाइनली जो स्वर्ग का इंतज़ार था, उस तो स्वर्ग में हम आ चुके हैं, जस्ट केदारनाथ मंदिर। ये देख लीजिए भाई, गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं जिस स्वर्ग का इंतज़ार था, जिसने हमें स्टेटस में हमने बहुत मंदिर के लगाया था, तो उस मंदिर में हम आ चुके हैं। फाइनली देख सकते हैं ये है केदारनाथ मंदिर, और थंबनेल। और आसपास देख लीजिए कितनी धुंध हो रही है यहाँ पे, तो गाइस अभी फिलहाल मैं जाता हूँ मंदिर के अंदर, और हमने कुछ सामान लिया नहीं घंटा। तो गाइस फिलहाल अभी हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आगे आ जाओ यार, ये देख लीजिए सीधा केदारनाथ टेम्पल, यहाँ पे भी एक और प्रोसेस लगा हुआ है। हेलो, हाँ ये मंदिर जगह, हेलो, हाँ मंदिर कितना है, वो लगाना कोई मत मारा भाई, यहाँ से खींच बंद करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली अभी हम केदारनाथ मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं, और मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अंदर से भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के मंदिर के बारे में कुछ बताऊँगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा मैं मंदिर में। और अभी मैं फ़िलहाल मंदिर के पीछे की साइड जाता हूँ, और यहाँ पे एक पत्थर लिखा हुआ है, वो जो बड़ा पत्थर है, तो वो अभी हम उस मंदिर की साइड में जाते हैं। और यह साधु लोग, यह देखो
तपस्या कर रहे हैं जो भी है। हेलो जगदीश, हाँ केदारनाथ मंदिर कुछ नहीं लाया ऊपर नहीं करेगा। तो गाइस ये देख लीजिए, यहाँ पे पत्थर बना हुआ है, पत्थर रखा हुआ है जो कि मम्मी जी तो गाइस ये जो अभी मैंने आपको जो पत्थर बताया हो, ये जो पीछे पत्थर है, तो यहाँ पे क्या है जो 2013 में जून 2013 में आई थिंक वो तबाही हुई थी, वो जहाँ पे बाढ़ आई थी, तो इस पत्थर के कारण यहाँ पे मंदिर की सुरक्षा हो चुकी है, मंदिर की थोड़ी सुरक्षा हुई और यहाँ की जो बिल्डिंगें वगैरह थी वो सारी बिखर चुकी थी, लेकिन सिर्फ ओनली बस ये एक मंदिर बचा हुआ था केदारनाथ मंदिर का। इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था लेकिन ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं। और फिलहाल ये हम कपड़ा लेके आए हैं ये मंदिर में चढ़ा के, फिर मैंने ये कपड़ा पहना, दोनों ने पहना हुआ है, प्रसाद लिया था। प्रसाद का यहाँ पर प्राइस है 200 रुपये प्रसाद का प्राइस है, जो कि हम ऊपर अभी प्रसाद वो लेके हम ऊपर आके हम अंदर चढ़ा सकते हैं, और अगर ये कपड़े के साथ ले तो फिर हमें 250 का पड़ेगा, लेकिन हमने 250 का एक लिया था प्रसाद, जिसमें हमने दो कपड़े डलवा दिया। मैंने कहा चलो दो जन हैं तो दो कपड़े ले लेते हैं, तो फिर ये जो है मंदिर का जो भी भगवा वस्त्र बोलते हैं इसको, तो वो ले लिया था हमने। फिलहाल तो अभी मैं मंदिर के पीछे की साइड में हूँ, ये है वो मंदिर और ये जस्ट मंदिर के पीछे है ये पत्थर। उस टाइम ये पत्थर नहीं पूजा जाता था, लेकिन जब यहाँ पे जो लेकिन जब ये तबाही हुई थी, बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद में वापस जब मंदिर की रीओपनिंग हुई थी, तब ये मंदिर के साथ साथ ये पत्थर भी, मतलब जो भी पीछे था, इसको भी भगवान के रूप में पूजा जाने लगा है। तो फिर बस यही था। और पीछे की साइड में आसपास में देख लो, इतनी कोहरा ही कोहरा, पूरा ठंड पड़ रही है, पूरा ठंड पड़ रही है। फिलहाल बस वही है और बस भगवान से यही प्रार्थना की है कि व्लॉगिंग चैनल जल्दी चल जाए। और जैसे भी मैं आया था तो प्रसाद ले रहा था, तो बोल रहे थे कि इतने बड़े ब्लॉगर हो के ये छोटी मोटी प्रसाद के लिए इतने पैसे नहीं दे सकते, वो नहीं। मैंने कहा इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, अभी चालू किया जस्ट, तो इसलिए जब व्लॉगिंग अपना हिट हो जाएगा और 100K या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो फिर हम वापस आएंगे और फिर हम अच्छी तरह से यहाँ पे भंडारा करवाएंगे, प्रसाद प्रसाद बंटवाएंगे, जो भी है वो करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो अभी बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर हो जाए मेरे और जल्दी से जल्दी चैनल ग्रोथ हो जाए, बस यही मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर आप चार धाम की यात्रा पे आ रहे हैं और सीधा बद्रीनाथ जाते हैं और केदारनाथ के दर्शन नहीं करते हैं, तो वो बद्रीनाथ का दर्शन भी निसफल हो जाता है, मतलब कि कोई दर्शन वो मायने नहीं रखता है। मतलब अगर आप चार धाम की यात्रा पे आए तो केदारनाथ का ये बद्रीनाथ आए तो उससे पहले केदारनाथ आना पड़ता है, तो फिर वो चार धाम की यात्रा सफल होती है। तो फिलहाल सबसे पहले हम केदारनाथ ही आए क्योंकि मेरी ड्रीम लोकेशन थी केदारनाथ आने के लिए, तो फिर बस वही केदारनाथ आ चुका हूँ अभी मैं। और फिलहाल हमारा भी प्रोग्राम है कि चार धाम की यात्रा करें हम भी, लेकिन यहाँ ठंड इतनी है और अभी मैं अभी
मतलब अपनी हाइट है, केदारनाथ की हाइट है 3500 मीटर, मतलब 3500 मीटर अभी मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मंदिर का दर्शन कर रहा हूँ। तो फिलहाल ऑल डिटेल बता देता हूँ मैं मंदिर की, कि यहाँ पे जो ये एक, वैसे आपको सभी को पता ही होगा कि 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, तीर्थ स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक केदारनाथ भी है। और हाँ, तो गाइस एक बात और बताना भूल गया था, क्योंकि यहाँ पे आए तो मंदिर में फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं है, कैमरा लेके नहीं जा सकते, मतलब कैमरा तो लेके गया था मैं लेकिन अलाउ नहीं है यहाँ पे, और फ़ोटो भी लेना अलाउ नहीं है। फ़ोटो मंदिर से बाहर ले सकते हैं और अंदर जाके नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल बस वही है, और मंदिर के बारे में कुछ मैं डिटेल्स बता देता हूँ कि मंदिर बनवाया किसने था। ऐसा तो कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पांडवों के जो पौत्र थे जम्वे जय ने इनका निर्माण कराया, इस मंदिर का निर्माण कराया था, और आदि शंकराचार्य है उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो बस वही है, और इसमें यहाँ पे एक पीछे शायद ये पत्थर था, मैंने जो अभी बताया था वो बाढ़ के तबाही के बारे में जो रक्षा की थी, वो पाली या संस्कृत भाषा में, पाली या ब्राह्मणी भाषा में कोई तो लिखा हुआ है वाक्य वगैरह, तो वो अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई, वो कोई पढ़ नहीं पाया है। तो बस वही है, फिलहाल यहाँ पे धुंध बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, क्या लोग एक दूसरे का मतलब देख भी नहीं सकते हैं, इतनी धुंध बढ़ गई है, और भीड़ तो यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन ये देख लीजिए गाइस, ऐसा बोलते हैं कि भीड़ यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन फिर भी ऐसा बोल रहे थे कि कल नाइट में जब होटल ली थी मैंने, तो वो होटल के जो थे स्टाफ वो बोल रहे थे कि ये ऑफ सीज़न है। तो अभी ऑफ सीज़न किस लिए है, शायद वो तबाही आई थी उसके बाद में ऑफ सीज़न चालू हो गया था, ये मतलब मंदिर टाइमिंग होता चालू अप्रैल से मंदिर ये ओपन होता है और नवंबर तक ओपन रहता है। तो बस वही है, नवंबर तक ओपन रहता है, और लेकिन फिर भी इसमें जो ज्योतिर मतलब इसमें जो ज्योति होती है वो जलती रहती है, जो कि पूरे साल के लिए जलती रहती है।